And joining me on my face-off this evening, Trupti Desai, the activist who has vowed to enter the Sabarimala temple at all costs, and Rahul Easwar of the Save Sabarimala committee who wants to ensure that no woman is allowed to enter the sanctum sanctorum. Both of you, appreciate your joining us. Trupti Desai, ye mujhe bataiye, ye aap jo karne ja rahi hai, kya ye keval ek publicity stunt hai? क्या आप वाकई चाहती हैं कि महिलाओं को मौका मिले या केवल आप चाहती हैं कि एक तरह से एक बार फिर आपको इस पर इस मामले को लेकर पब्लिसिटी मिले? आप कह रही हैं कि केरल गवर्नमेंट को आपके एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे वहां शबरीमला जाने के लिए, क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है? राजदीप सर, सबसे पहले तो ये गलत न्यूज़ है कि हमने कहा है कि हमारे एक्सपेंसेस जो है वो उनको बेयर करने पड़ेंगे. आप अगर हमारा लेटर पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले हमने लिखा हुआ है कि अभी तो हमने फ्लाइट के टिकट्स बुक किए हैं, वहाँ पे जो गाड़ी अरेंज करनी है, वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है वो सरकार ने करनी है, ऐसा हमने कहा है. और उसके जो कुछ चार्जेस है वो हम पे करेंगे, क्योंकि हम अगर गाड़ी बुक करेंगे या कोई होटल बुक करेंगे तो हमारे जान को खुद खतरा है, ऐसा हमने लिखा है. तो ये कहीं ना कहीं हमारे हमें बदनाम करने की कोशिश है. और राजीव सर, आप अगर देखेंगे तो इससे पहले हाजी अली दरगाह शनि सिंगणापुर में हमें इतनी पब्लिसिटी मिली है कि अभी पब्लिसिटी की हमें बिल्कुल जरूरत तो नहीं है. ये महिलाओं को वहां पे मौका मिलना चाहिए, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है भारत देश में, तो इसीलिए ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है तो वहां पे हमें जाना पड़ेगा. और ये पब्लिसिटी स्टंट करना होता सर तो हम जिस दिन निर्णय आया 28 सितंबर को, उसके बाद जब मंदिर खुला तभी हम जाते हैं. हमने मौका भी दिया कि बहुत सारी महिलाएं वहां पर जाके आई है, लेकिन अगर कोई प्रवेश नहीं कर पा सकता है तो हम भी वहां पर ट्राई करेंगे. और इसीलिए हम वहां पर जा रहे हैं, किसी की भावनाओं को दुखाना, किसी के जो है वो उनको जो है वो दुखाना, ऐसे बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं है. वहां पे हमारे हक और अधिकार जो मिले हैं उसको हमें जो है वो आगे ये करना है, वहां पे प्रवेश करना है. अगर भगवान ने किसी भक्त में भेदभाव नहीं किया है तो ये प्रोटेस्टर्स हो या कोई भी हो, ये भेदभाव करने वाले कौन है? यही हमारा जो है वो उनके यहाँ पे क्वेश्चन है. राहुल ईश्वर, यू आर हियरिंग व्हाट इज बीइंग सेड बाय तृप्ति देसाई. शी इज सेइंग शी वांट्स टू इन अ सेंस प्रूव अ पॉइंट बेस्ड ऑन व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. नाउ यू एंड अदर्स हैव रिस्पोंडेड सेइंग शी विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ शी गोज देयर. यू आर थ्रेटनिंग हर विद वायलेंस. इट सीम्स एज इफ तृप्ति देसाई मेक्स दिस एफर्ट टू एंटर द सैंक्टम सैंक्टोरम, यू आर थ्रेटनिंग हर विद वायलेंस. शी विल हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस. इज दिस द लैंग्वेज टू बी यूज्ड अगेंस्ट अ वुमन? Absolutely no, Rajiv sir. Absolutely no, sir. We are Gandhians and we will only resist in Gandhian way. Let us be very clear about this without any speck of ambiguousness. We will, Trupti Desai ji, if she has to intrude or invade into Sabarimala, she will have to step on our chest and go. We will guard the temple for 66 days starting from November 16th to January 20th. Lakhs of devotees are with us and we would request Trupti Desai ji to respect our mothers and grandmothers and sisters' sentiments who are out on the road. 632 protests happened across 12 different states and 6 different nations. So please respect our sentiments. If she wants to come and see Kerala, well and good. Kerala is God's own country. But having said that, if she wants to intrude and invade into Sabarimala, she will have to step on our chest and go. That's a constitutionally allowed way of protest. No, are you legally assuring sanctified me, way of protest? Are you assuring because me that there will be no attempt to intimidate her or threaten her? Are you assuring me that there will be, in case she wants to enter, attempt made to threaten or intimidate her? She has every right. Just as your sentiments are important, her rights are also important. Absolutely, sir. Absolutely, sir. I can assure you that there will not be any violence. Our strategy is very simple, very direct, very open. We will be lying down on the road and thousands of people will be lying down for kilometers altogether. If she wants to intrude or if she wants to step on our chest and go, she is free to go. That's a Gandhian way of resistance. That is passive resistance. So that is an allowed way of resistance in Indian judicial and Indian legal system. What do you mean when you say we'll though that she will have Gandhian to bear the method consequences? To resist any young woman. What do you mean when you say that she will have to bear the consequences? No, we said we will be lying down and she has to step on our chest and go.
अगर उसको जाना है तो हमारा सीने पर पैर रखे ही जाना है। यही है हमारा पोजीशन जो है वो सरकार के यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन के लिए जो है वो मांग हमने मांग की है, लेकिन कोई एक्सपेंसेस उन्होंने ये करना चाहिए ये तो हमारी बदनामी की जा रही है। नहीं 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 तृप्ति देसाई जी ये मुझे बताइए, राहुल ईश्वर कह रहे हैं कि उनके सेंटिमेंट्स उनकी जो भावना है उनको भी आपके आपने सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, रिव्यू पिटीशन आ रहा है, आप जनवरी 22 तक क्यों नहीं रुकती, अभी क्यों करना है आपको? पिछले साल जब 2017 में हमने कहा था तब इन सब लोगों ने जो कहा था कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आइए, तो हमने पिछले जनवरी का जो है वो आंदोलन कैंसिल किया था सर, और उसके बाद हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल वर्डिक्ट आता है उसके बाद हम आएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन जो है वो क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अभी 28 सितंबर को निर्णय आया है, उसके बाद हर बार ये कहते हैं कि कोई भी महिला आएगी तो हम गांधीगिरी मार्ग से वहां पे जो है वो विरोध करेंगे, लेकिन हर बार वायलेंस होता है, हर बार कहीं ना कहीं गाड़ियां फोड़ी जाती है, वहां पे अटैक किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 22 जनवरी तक कहते हैं वो करते नहीं है और हर बार धमकियां देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 22 जनवरी को वो रिव्यू करेंगे, आप 22 जनवरी तक रुक क्यों नहीं सकती? राजदीप सर, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे दिया होता तो हम जो कल जाने वाले हैं वो बिल्कुल हमने कैंसिल किया होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि बिल्कुल स्टे हम नहीं दे रहे हैं, 22 तारीख को जो है वो इनका ओपन कोर्ट में जो है वो सुना जाएगा, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया है। उनकी अगर भावना भक्तों की जो भावना है वो सुननी चाहिए कोर्ट ने, ऐसा उनका कहना था, तो सुप्रीम कोर्ट सुन रही है, एग्री कर रही है। उल्टा ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमें विरोध कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप 22 जनवरी तक रुकिए, अभी तो महिलाओं को प्रवेश करने दीजिए, 22 जनवरी के बाद जो निर्णय होगा वो हमें जो है वो मंजूर होगा। अगर कोर्ट ने कहा कि हम नहीं जा सकते तो उसके बाद हम नहीं जाएंगे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि महिलाएं जा सकती है तो हम बिल्कुल जाएंगे। राहुल ईश्वर, द लॉ ऑफ द लैंड एज इट स्टैंड्स टुडे, एज इट स्टैंड्स ऑन दिस डे ऑन द 15th of November 2018 इज दैट वुमेन आर अलाउड टू एंटर। यस, थिंग्स कुड चेंज बेस्ड ऑन द रिव्यू पिटीशन। एज ऑफ टुडे, as a citizen of this country, Trupti Desai has the right to enter the temple. You have the right at best to protest, but you don't have the right to prevent her from entering. Because once you try say, as you seem to suggest, that you will prevent her from entering, and this is exactly what happened last month, then you are violating the law of the land. Even if your sentiments are affected, surely sentiments cannot go over the law of the land. We are law-abiding citizens, we totally agree. But if some young feminists are going to intrude into Sabarimala, won't the entire case on January 22nd become infractuous and meaningless? No, it doesn't. It will become legally infractuous if somebody is entering. How does it become infractuous? As of today, women are allowed to enter. That's the law of the land. It may change on the 22nd of January. आज जो सीएम की मीटिंग थी, वहाँ पे भी इन्होंने यही आर्गुमेंट किया था, लेकिन that's the reason why. Just Trupti ji, one second. Let me answer. That's the reason why we have. जी. हाँ बोलिए राहुल. Speak out. Yeah, we have conveyed to the Honorable Kerala Chief Minister, who himself is an atheist, but we have conveyed it to him that this is Jallikattu version 2 for Kerala. We respect Supreme Court, we are law-abiding citizens at the same point of time. In a democracy, people has a right to fight for what they believe is right. We are fighting for Article 25 and this is Jallikattu version 2 for Kerala. You have every right to fight for your rights, but your rights cannot be at the cost of someone else's. North Indian brothers with us, this is Jallikattu version 2. Does Trupti Desai or any woman who wants to enter have rights or not? We are saying we will only do the Gandhian way of protest. Does Trupti Desai or anyone who wants to enter have the right or not? Right to lie down on the road and say that. We also have a right to lie down on the road and say, if you have to go to Sabarimala, step on our chest and go. And please remember, that's a constitutionally valid position. We have consulted our Supreme Court lawyers before taking such a position. We wanted to know whether it will attract contempt of court. It is not contempt of court, because that is a passive Gandhian resistance where we are lying down on the road and we are requesting them to step over us and go into Sabarimala. If they want to step over thousands of people and go into Sabarimala, it is their wish. But I hope Trupti Desai ji won't be as cruel as that. Okay, let me leave it there. Trupti Desai, Rahul Ishwar,
you've given both your points of view. I hope whatever happens, there is no violence. Violence has no place in today's civilized society. Trupti Desai has her individual rights. You, Rahul Easwar, may have your group rights. Above all of you is the constitution of this country. I hope that anyone who either wants to prevent her from entering will accept and appreciate that. Thank you both very much for joining me on my Face Off this evening. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.